फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ राजस्थान का फेमस चना दाल बड़ा। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है, इसे मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया है। तो फिर आइए चलिए शुरू करते हैं चना दाल बड़ा बनाना। बड़े के लिए यहाँ पे मैंने लिए एक कटोरी चना दाल, इसे मैंने 3 घंटे भिगो के रख दिया था। ये देखिए इस तरह से, अभी इसका सारा पानी मैंने निकाल दिया है। हमें चाहिए हरी मिर्च, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक किसा हुआ, प्याज बारीक कटे हुए, हरा धनिया, सौंफ, लाल मिर्च पाउडर, नमक और हींग। सबसे पहले हम चना दाल को जार में डाल के अच्छे से पीस लेंगे। इसमें हमें पानी नहीं मिलाना है ज़्यादा। इसमें हमें हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च को और चना दाल को अच्छे से पीस लेंगे। अभी हमें इसमें पानी नहीं मिलाएंगे, बिना पानी मिलाए इसे पीस लेंगे। हमें इसका बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, इसे हमें दरदरा ही पीसना है। देखिए थोड़ी ऐसे ऊपर आ गई, इसको हम नीचे कर देंगे अच्छे से। हम थोड़ा सा पानी मिलाएंगे जिससे कि अच्छे से बाइंड हो जाए। सारी दाल को हम पहले अच्छे से नीचे कर लेंगे जिससे कि ये सब पिस जाए। ये देखिए हमारा मिश्रण बिल्कुल बनके रेडी हो चुका है। ये देखिए इस तरह से ये बन रहा है। अब हमें इसे ज़्यादा नहीं पीसना है, हमें इसका बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना है। इसमें ज़्यादा पानी भी नहीं मिला है वरना ये पेस्ट हो जाएगा, ये बड़े नहीं बनेंगे। देखिए इस तरह से इसकी वो रहनी चाहिए कंसिस्टेंसी। अब इसमें हम हमारे बारीक कटे हुए प्याज मिला देंगे, उनको अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद में हम मिलाएंगे हमारी किसी भी अदरक। एक चम्मच सौंफ, इसके बाद में मिलाएंगे हम हींग, हमने हरी मिर्च भी डाली इसलिए आप लाल मिर्च उसी हिसाब से डालें। यहाँ पे मैं 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। देन हम डालेंगे हरा धनिया, इसे डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स होने के बाद में सबसे लास्ट में हम ऐड करेंगे नमक। नमक को इसलिए लास्ट में ऐड करेंगे क्योंकि पानी छोड़ देता है इसलिए। अब हम इसके बड़े बना लेते हैं। ये देखिए इसको हम सबसे पहले इसे हथेली पर रखेंगे और टिकिया का एक शेप दे के तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरह से, हमें हाथ पर कुछ तेल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये इसी तरह से टिकिया बन जाएगी। और इसे हमें तेल में डाल देंगे, तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए। बड़े डालते समय हम तेल की आंच को मीडियम पे रखेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको गोल को लेके हम इस तरह से टिकिया का शेप देंगे। अगर आपसे टिकिया बिखर जाती है तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन भी ऐड कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हमें सारे बड़े बना के तैयार कर लेने हैं। बस डालते समय हमें आंच को मीडियम पे रखनी है, उसके बाद में हमें सिर्फ तेज आंच पे ही हम इनको फ्राई करना है। इससे इनको बीच बीच में चलाते रहेंगे। देखिए हमारे बड़े बिल्कुल सिक के तैयार होने वाले हैं, 1-2 सेकंड के लिए और रहने देते हैं। ये हमारे बड़े बिल्कुल बनके रेडी हो चुके हैं। हम इन्हें हम टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे जिससे कि एक्स्ट्रा तेल निकल जाए। ये बहुत ही क्रिस्पी बड़े बनके रेडी हो गए हैं। ये देखिए ये हमारे बड़े बनके तैयार हैं। इसी तरह से हमें सारे बड़े बना के तैयार कर लेने हैं। ये देखिए इस तरह से हथेली के बीच में हमें मिश्रण रखना है, टिकिया का शेप देना और हमें इसको डीप फ्राई करना है। ये देखिए इस तरह से हमारे सारे बड़े बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब इनको निकाल लेंगे। ये हमारे स्वादिष्ट चना दाल के बड़े बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं।
ये इसको आप हरे धनी की चटनी और इमली की चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। ये बहुत ही टेस्टी है, देखो इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ मैं। ये देखिए कितना क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।